हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग? मैं सबको ठीक हूँ। आप सबको ठीक हो? अच्छा, सबका भी इकट्ठे ठीक कर देते हो। और गाइज बोलो, मैं दादी से मिलने बहुत दूर जा रहा हूँ, और वहाँ जाके फिर आपको रास्ते में दिखाएंगे सब कुछ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारा ये लंबा शाम सफर, है ना कार्तिक? 1200 किलोमीटर की, 1100 किलोमीटर की। हाँ। क्या? हाँ। हाँ। और बोलो, आगे दिखाएंगे आप सभी को क्या होने वाला है, ठीक है? ओके बाय। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आगरा वाले उस पे, और देख सकते हैं आप यहाँ पे आगरा के लिए भी हम यू टर्न ले रहे हैं। आगरा भी, आगरा एनएच पे चल जाएंगे, NH 44 पे, एक किलोमीटर बाद देख सकते हैं आगरा का बोर्ड लगा हुआ यहाँ पे, और आगरा के लिए भी यू टर्न ले रहे हैं। NH 3 नहीं था, NH 2। अरे तो NH 44। तो दोस्तों हम अभी देख रहे हैं NH 44 पे जा रहे हैं आगरा वाले एक्सप्रेस वे पे, और अभी बहुत मजा आने वाला, लंबी टूर है। पर देखो, बात तो दुख की है इसलिए जा रहे, फिर भी हमें ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। आप लोग को तो देखो, मैं सीन नहीं छुपा सकता ना, इतना जबरदस्त सीन। तो चलिए देखते हैं। और आगरा आ गया, आगरा आ गया, पागल खाना आगरा भाई, आगरा का बोर्ड आ गया। चलो ताजमहल देखने चलते हैं। देखा था, 6 घंटा खराब हुआ था ताजमहल देखने में। तो आपको क्या लगता है, ताजमहल यही रखिए बाबूजी? तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है रूट? और रात का भी बज रहा है 1, और 1 बजे आप देख सकते हैं कितना धमाकेदार वीडियो बन रही है, और बहुत मजा आने वाला है बहुत। तो भाई एक काम करते हैं, वापस ना फिर से मानेसर वाले पे चढ़ जाते हैं, यही गोल गोल घूमते हैं, और बहुत मजा आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मानेसर का है, पर देखिए हमें मानेसर नहीं जाना, हमें तो आगरा पागलखाना नहीं जाना, आगरा से भी आगे जाना है, आगरा के ताजमहल जाके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सीन है, वो सभी दिखाएंगे। वीडियो बने रहिए और मस्त वीडियो का मजा लेते रहिए। मथुरा आगरा बोल दबारा लेते हुए हम आए हुए CNG पंप पे, और भी लेंगे CNG पंप पे, हम पेट्रोल लेने आए, CNG पंप पे। तो भाई अभी लेंगे CNG, और CNG लेने के बाद देखते हैं आगे का वीडियो। अभी हम CNG डलाते हैं यहाँ पे, भाई देख सकते हैं यहाँ पे भी 200 का प्रेशर है, मतलब अच्छा प्रेशर है देख सकते हैं, और मस्त प्रेशर अभी। तो देखते कितने की CNG आता है, जबकि अभी हमारे इसमें तो CNG भी है 4-5 गुटी। अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 12:59 हो चुका है। देखते अभी तो हमें इतने किलोमीटर की सामना करना है, 1100 किलोमीटर अभी पहुँचना है भाइयों। तो चलिए दोस्तों आगे की सफर तय करते हैं, वीडियो बने रही है। पैसे खर्चा करने के बाद 300 रुपए की CNG डलाने के बाद भी अभी भी 1 गुट्टी कम रह गया है, देख सकते हैं एक नेटवर्क कम ही रह गया है। पेट्रोल तो टंकी फुल है, बट अभी भी 1 नेटवर्क कम रह गया है। आप देख सकते हैं ये है भाई का CNG पंप, और अदानी का, और बढ़िया है भाई, मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो कुछ मीटर घिंच जाएंगे, देखते कितना गाड़ी चलती है। अभी 78.2 किलोमीटर है, उसके बाद देखते हैं कितना गाड़ी चलती है, वो भी दिखाएंगे। बाकी बच्चे लोग भी वॉशरूम गए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे वीडियो का सीन दिखाते हैं। ओके, अभी हम देख सकते हैं अभी भी 1036 किलोमीटर अभी रह रहा है, अभी हम मथुरा पहुंचने वाले हैं, और देख सकते हैं अभी भी CNG लिए कुछ रुपए के, और लेने के बाद अभी देख सकते हैं काफ़ी दूर आ चुके हैं। रात का भी क्या हो रहा है, टाइम भी दिखाते हैं आपको, 2:24 हो चुके हैं रात को। और चलिए देखते हैं आगे का सीन, सभी लोग अभी नशे में चूर है, मतलब नींद में चूर है, नशे में तो नहीं है नशे, और कार्तिक मस्त नींद ले रहा है, ऐसा लग रहा है कौवा मारा वाला। और कार्तिक भी एकदम नींद ले रहे, बाकी बच्चे भी सारे नींद ले रहे हैं, ले रहे थे जो भी है, ऐसा लग रहा है ना एक। और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं रोड, अभी हम थोड़ा सा बढ़िया रोड आ जाएगा, उसके बाद आप सभी को सीन दिखाएंगे। तो चलिए गाइस आगे वीडियो बनाते हैं, वीडियो में बने रहिए और मजे लेते रहिए। बाइक वाला गिर गया, उठा दो, क्या हुआ? गिर गया। अरे रात को उठाना भी तो डर रहता है किसी। गिर गया। तो अभी लखनऊ, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे पे भी पहुंचा हूं, और देख सकते हैं अभी रात का आपका 4:23 हो रहा है, देख सकते हैं आप सभी लोग, और इस समय किलोमीटर आप देख सकते हैं कितना बचा हुआ है,
और बिल्कुल अंधेरा मौसम हो रहा भाई, दूर दूर तक देख सकते हैं, बिल्कुल मस्त मौसम हो रहा है, बारिश भी आ रही है अभी तो, और बिल्कुल अंधेरा सुनसान जगह, दूर दूर तक कुछ भी दिखने का मौसम नहीं लग रहा है। बाकी सभी सॉन्ग चल रहा है, बाकी देख सकते हैं बहुत मजा आ रहा है भाई ड्राइविंग में, क्योंकि एक तो शांत रोड है, बिल्कुल देख सकते हैं कितना बढ़िया रोड है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और बिल्कुल दूर दूर तक भाई सुनसान जगह है, देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी कुछ भी नहीं है, एकदम शांत लोकेशन है बिल्कुल है, देख सकते हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों आगे किसी देखते हैं, अभी अभी जब दिन होगा थोड़ी सी अपने जब दिखाएंगे सीन आप सभी को, वीडियो बने रहिए देखते रहिए। कार्तिक भी आ चुका है और उठ गया, कार्तिक कार्तिक को भूख लगा है पर रोने के रोने का ड्रामा नहीं कर पा रहा है, उसको खांसी हो रहा है बच्चा को, और देख सकते हैं सभी लोग इधर मस्ती में भी, कार्तिक भी है और कौन कौन है दिख ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा, और कहाँ चले गए, मैं तो दिख रहा हूँ, और चलिए देखते हैं आगे का सीन, और वीडियो अभी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखेंगे कहीं बढ़िया जगह पे रोक के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे का सीन। चलिए जरिए आप लोग वीडियो बने रहिए और देखते रहिए वीडियो, हमारा ये लॉन्ग ड्राइव वाली वीडियो। दोस्तों हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पे रुके हुए देख सकते हैं, इस एक्सप्रेस वे पे रुकने के बाद अभी बहुत ज़बरदस्त सीन हो रहा है, अभी यहाँ पर बारिश हो रही है अभी, और इस साइड देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा सीन है, बिल्कुल सुनसान सीन है, देख सकते हैं आप सभी लोग दूर दूर तक सुनसान सीन है। कार्तिक भी आ गया इधर देख सकते हैं आप सभी लोग, और बहुत बढ़िया है भाई अंधेरा मौसम में, बिल्कुल सुख शांति शांति वाली, देख सकते भाई इधर तो बहुत पानी लग रहा है नीचे, यहाँ पे बहुत पानी है यार, है ना बेटा, इधर बहुत ज़्यादा पानी है, और इधर जंगल ही जंगल है जो दिख नहीं रहा, दिखाते हैं आप सभी को तो अगर जूम करके दिख जाते, देख सकते भाई इधर पेड़ पौधा कितना है, और इधर देख सकते सारा ना जंगल ही जंगल है, इधर सारा ही जंगल है, पहाड़ है, मिट्टी एकदम बढ़िया भाई जबरदस्त वहाँ पे करते है, इसलिए नहीं पता चल पा रहा क्या है। हाँ देखो इधर पानी है, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ना पानी है बहुत ज्यादा, पूल है यहाँ पे, वो लोग देखिए वहाँ पे खड़े थे, और हम भी लखनऊ एक्सप्रेस में भाई, और देखते भाई अभी बारिश भी हो रही है एकदम निमझिम निमझिम, और गाड़ी कितनी स्पीड में निकल रही है वो भी आप सब लोग देख रहे होंगे, और बहुत मस्त सीन हो रहा है। सीधे एक भाई ने वहाँ पे कार पार्किंग कर रखी है, और नज़ारा बहुत ही मस्त है ना बेटा, गुड मॉर्निंग को बोल दो, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, बोल दो अरे बोल दो ये गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं इधर भी अभी बच्चे तो रुके हुए हैं, हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, देख सकते हैं अभी आप लोग दिन हो चुका है, और कार्तिक के लिए कितना सारा सामान खरीदा के आया है, और ये किधर भी है और इधर भी है और इधर भी है, देख सकते हैं अभी, और एक खा भी रहे अभी, और भी आएगा, और मौसम बिल्कुल मस्त हो रहा है ज़बरदस्त, दिखा दो बेटा, हेलो गाइस कर दो, ओके। और तो दोस्तों अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है, अभी हम थोड़ा सा चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने के बाद देखते हैं आगे का सीन, तो वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। होटल के नज़ारा और यहाँ से पार्किंग, खा लिया बेटा कार्तिक, खा लिया कार्तिक, खा लिया चले, अच्छा चले भाई चलते हैं यहाँ से। देखते हैं अभी आगे का नजारा, फिर यहीं कहीं कर लूंगा रास्ते में लगेगा तो बोतल तो है, खुले में उतरता क्लियर है ना, किसी सुनने का डर ना कुछ। देखिए आज हम निकल रहे हैं यहाँ से रेस्टोरेंट से ढाबा से, और ढाबा
ढाबा और ढाबा दोनों में कितना फर्क है। ये है ढाबा का नाम मस्त एरिया है। कार्तिक को देख रहे हैं अभी कितना मस्ती कर रहा है। तो गाइज वहाँ पे डॉगी है उसके कार्तिक बोल रहा है शेर है कुत्ता है, मतलब कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। बाकी मोबाइल भाई मेन हाईवे पे निकल रहे हैं इधर पेट्रोल पंप से होते हुए और आगे देखेंगे। सबको नींद खुल चुका है पर गाड़ी चलते ही 10 मीटर सब खराब टेलर लग जाएंगे। इसको बोतल को लेकर हाथ में रख लीजिए प्रियंका जी। और तो बाकी देखते हैं ट्रक वाले भाई को आगे क्या है। बाकी हम हाईवे पर आ चुके हैं, बारिश का जबरदस्त मौसम हो रहा है देख सकते हैं। और ऐसे क्या होता है करता है वही ना होता है। ऐसे क्या होता है यही तो कैसे होता है बेटा कैसे होता है बेटा देखिए बस जबरदस्त स्पीड के साथ निकल रही है बिहार यूपी वाला और बहुत नहीं बेटा ओहो गिर गया यार और बहुत मस्त मौसम हो रहा साफ हो गया बिल्कुल। सुबह का भी 8:30 के लगभग हो रहा है 8:20 हो रहा है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है हरा भरा एकदम ऐसे ही है मौसम जैसे बनाना चाहिए रहना चाहिए मौसम। देख सकते कितना जबरदस्त मौसम है इस टाइम और ऐसे नज़ारा लग रहा है जैसे हम तो जन्नत की सैर कर रहे हैं इस टाइम। देख सकते हैं कुछ लोगों को जलन हो रही है पर अब और देख सकते हैं दोस्तों अभी की स्पीड में चल रही है क्या बेटा सीएनजी खत्म हो गया है भाई पेट्रोल पे गाड़ी चलना शुरू हो गया है। सीएनजी तो बहुत पहले खत्म हो गया था अब सीएनजी एक ही बार गोरखपुर में डलाएंगे उसके बाद देखेंगे वहां से क्या माइलेज देता है। अभी तो हमें बहुत लंबा सफर करना है चलिए मैप को ना लगा लेते हैं उसके बाद आगे का सीन देखेंगे जो बना रही देखते रहिए। तो गाइस देख रहे हैं आप बहुत जबरदस्त बारिश के सामना करते हुए बारिश खत्म हो गई बंद करो बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है 1 नंबर की बहुत तेज। देखिए मौसम कितना जबरदस्त हो रहा है ये भी वीडियो वायरल नहीं हुआ तो कब होगा वायरल। इतना दूर आए हैं 1200 किलोमीटर आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए तभी आप लोग वीडियो वायरल नहीं होने दे रहे हो। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अपने पूरे फैमिली में शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि ये वीडियो फेमस हो जाए। तो आप सभी को दिखा रहा अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे का सीन और जितना जबरदस्त सीन है देख सकते हैं आप सभी लोग और कितना बढ़िया नजारा देख सकते हैं आप सभी को अभी और सीन बढ़िया बढ़िया दिखाने वाले। अभी पानी देखते चल के पानी ना बहुत स्पीड में चल रही है देख सकते हैं देख सकते कितना मस्त पानी का भी भाई पानी की ना धार चल रही है बहुत तेज और क्या मस्त नजारा हो रहा है इस टाइम। पुलिस वाला आएगा कहेगा बेटा कार हटा। तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे अभी ये दृश्य कितना जबरदस्त है देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना मस्त नजारा है और ये 1 नंबर की सीन हो रहा है इस समय। गाड़ी यहाँ पे पार्किंग है और अंशु बेटी भी आई हुई है अभी देख सकते लपक मत गिर जाएगा और रोड का भी नज़ारा बिल्कुल जबरदस्त थोड़ा देख सकते हैं और इधर से भी सीन देख मोबाइल गिर जाता तो ज़्यादा उन्हें लटका हो जाता है लड़की मोबाइल गिर जाएगा सारा मजाक छूट जाएगा। तो दोस्तों देख सकते बहुत बढ़िया सीन हो रहा है इसमें बस ज़्यादा देर नहीं दिखा सकते गाड़ी रोकना ना दिक्कत है थोड़ी यहाँ पे इसलिए ज़्यादा देर हम गाड़ी नहीं रोक सकते वीडियो में। बहुत दूर दूर तक भाई सीन बहुत मस्त मस्त है देख सकते हैं दोस्तों एक लड़का था छोटा सा कहाँ भाग गया वो नन्हा मुन्ना और वो अंकल को देख सकते हैं वहाँ पे मछली मारने के लिए क्या था ना क्या जोक दे रही किधर से घूम के आ रही इतना नीचे देख सकते हैं और वहाँ पे आप नाव भी देख सकते हैं यहाँ पे नाव है
चाची आपके लाडले को पानी में जाना है, फेंक दो तुझे। और वहाँ पे नाव में एक भाई बैठे हुए, दो दो अंकल जी बैठे हुए देख सकते हैं आप भाई, बहुत मस्त नज़ारा है। अभी समझिए हम बहुत दूर आए हुए, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए हम सोचते भाई रुक के आप बना ही लेते हैं, क्योंकि हमारा तो देखो काम है वीडियो बनाना। तो भाई देख सकते हैं, ये भाई देखिए कहाँ पे जाके खड़े हैं, देख सकते हैं ये अंकल जो भी है ऊपर आ रहे हैं, अभी बहुत नीचे हैं, पर बहुत बढ़िया सीन हो रहा है यहाँ का। नाव देखिए वहाँ से चालू होने वाला है। तो दोस्तों हम घर पहुँच चुके हैं, अभी देख सकते हैं रात को 3 बजे पहुँचे थे, इसलिए हम आप सभी को वीडियो में दिखा नहीं पाए। अभी हम देख सकते हैं गांव का दृश्य, बड़े अभी समय आ रहे, अभी जा रहे हैं वहाँ पर कुछ पूजा पाठ होगा उसके लिए। और ये देख सकते हैं बाढ़ कितना ज़्यादा आया हुआ है, और देखते चल के वहाँ पर क्या होने वाले, तो वीडियो बने रही। चलिए देखते हैं, नहाना भी पड़ेगा हम लोग को नदी में पानी के अंदर। और इधर देख सकते हैं बैंगन की खेती हो रही है, और इधर देख सकते कितना ज़्यादा पानी है भाई। और यहाँ सब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं घूमने, और इधर जयकिशोर भैया जा रहे हैं अभी, ये बहुत बड़ा कलाकार थे पहले, अब ऐसा हो गया जो कुछ हो ही नहीं सकता, बेकार हो गए, अब ऐसे गाची गाची घूमते रहते हैं। ये देख सकते हैं हमारा बगीचा है, बहुत बड़ा हमारा पार्क है सॉरी हाँ। और इधर देख सकते हैं पानी का पूल है, हाँ हमारा स्विमिंग पूल है, हाँ जिसे हमारे गांव गाय भैंस नहाती है, दिखा भाई। इधर के हाँ इधर देख सकते कितना ज़्यादा पानी भाई, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स ये सारे पानी वाली सीन बाद में दिखाएंगे, अभी मेन चीज़ चल के दिखाते हैं। चलिए देखिए सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम अभी इधर ही रहेंगे। ये है जाने की रास्ता देख सकते हैं, और इधर के पानी के नज़ारा भी, चारों तरफ मतलब पानी ही पानी है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चाचा जी, तो उनको बता दो नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, इस वीडियो को क्लोज करते हैं, बाय।